आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। जी कन्हैया जी, आपने सोयाबीन के ऊपर बताया था कि सोयाबीन में आपको ज़्यादा गिरावट की आशंका नहीं लग रही है। सोयाबीन में अभी हाल फिलहाल में बाज़ार भले ही मंदा रहे, लेकिन ज़्यादा गिरावट की संभावना आपके द्वारा व्यक्त नहीं की गई थी उस दौरान भी। और हमने कल को देखा था कि सोयाबीन में निचले स्तरों से खरीदारी भी बनी थी और सोयाबीन 6300 के ऊपर भी जाता हुआ नजर आया था। देखिए अखिलेश जी, आपको याद होगा कि जब सोयाबीन के ऊपर के वायदे पे रोक लगी थी और जो ऑयल खाद्य तेलों के ऊपर सरकार ने ये प्रयास किया था कि इसके अंदर कुछ लगाम लगाई दी जाए और उसके अंदर कुछ उसका असर देखा भी गया था कि एमआरपी के ऊपर कुछ प्रमुख जो ऑयल सीड ब्रांड थे उन्होंने भी कुछ गिरावट की और उसमें उन्होंने चर्चा की थी, तो और वो हुई भी कुछ। लेकिन आपको याद होगा हमने एक बात आपको कही थी कि इस खाद्य तेलों के अंदर तेजी मंदी या ऑयल सीड के अंदर तेजी मंदी का पूरा पूरा अख्तियार सरकार के पास या भारतीय कारोबारी या व्यापारियों के पास नहीं है। ये जो तेजी और मंदी है वो ग्लोबल मार्केट्स की तर्ज पे चलेगी और इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। और देखिए वहां से लगभग 12-15% की एक तरफा तेजी जो ऑयल सीड्स में हुई, चाहे वो खाद्य रिफाइंड सोया ऑयल हो या फिर सोयाबीन हो, और जिन कारोबारियों ने हमारे को बहुत ध्यान से सुना था, हमारे शब्दों को ध्यान दिया था और उन्होंने उस गिरावट का पूरा पूरा फायदा उठा के माल खरीदा, और जिन्होंने और बड़ी मंदी की सोच के रख के माल नहीं खरीदा, अब वो बड़े परेशानियों के अंदर उनको नजर आ रहा है। और अब वो दोष सारा दे रहे हैं कि एनसीडीएक्स पे सट्टा हो रहा है या ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। तो देखिए एनसीडीएक्स जिम्मेदार नहीं है तेजी मंदी का, जिम्मेदार है आपकी डिमांड एंड सप्लाई, जिम्मेदार है आपके सही समय पे सही निर्णय नहीं लेने की आपकी गलती जी। और पूरे विश्व के अंदर जब बाजार में तेजी चलेगी तो एनसीडीएक्स में क्या आप उम्मीद करोगे कि वो कमी हो जाएगी? बिल्कुल नामुमकिन है और ये संभव भी नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं, ये किसी के चाहने से होगा भी नहीं। और ये क्योंकि व्यापार व्यवसाय जो है ये पूरे आज जो ग्लोबल विलेज है, एक छोटा सा कस्बा हो या अमेरिका हो या जापान हो या मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील हो, सबको बहुत बारीकी से लोग वॉच करते हैं। आज जो किसान है हर छोटी सी छोटी गांव में कस्बे में ढाणी के अंदर हर व्यक्ति के पास इंटरनेट है, वो सीबॉट को भी देखता है, वो अमेरिका को भी देखता है, वो अर्जेंटीना को भी देखता है, वो ब्राजील को भी देखता है, वो खाली एनसीडीएस को नहीं देखता है, जैसे व्यापारी वर्ग सभी को देखते हैं वो भी देखता है और उसका अनुमान लगाता है। एनसीडीएक्स के लिए तो उनको भारतीय बाजारों के दाम मिल जाते थे, प्राइसिंग मिल जाती थी, तो उनको सोचने समझने में आसानी हो जाती थी। एनसीडीएक्स सिर्फ प्राइसिंग कर रहा है, उसके वेयर हाउस स्टॉक के अंदर कोई बहुत बड़ा माल उपलब्ध भी नहीं है, तो जिम्मेदार एनसीडीएक्स कैसे हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। ये जो कारोबारी, जो मिल ऑनर्स और जो किसान हैं या बड़े कारोबारी हैं जिन्होंने टाइमली अपने डिसीजन नहीं लेंगे तो उनको नफा नुकसान होगा, इसमें परेशानी कहाँ है? यदि एग्जाम के दिनों में नहीं पढ़ोगे, पहले आपने पढ़ाई नहीं किया है और एग्जाम जब आएंगे उस वक्त आप हल्ला करोगे कि मुझे ये हो गया, वो हो गया, लाइट नहीं है, मास्टर जी उपलब्ध नहीं है, किताबें उपलब्ध नहीं है, अरे भाई पूरा साल क्या किया तुमने? तो कहने का मतलब ये है कि तेजी में तेजी कहने वाले और मंदी में मंदी कहने वाले विशेषज्ञों को भी आप परखो कि 10 दिन पहले क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं। तो सोयाबीन के अंदर अब थोड़ा मुनाफा वसूली की संभावनाएं बनती हैं क्योंकि निचले स्तर पे जिन्होंने माल खरीदा उनको फायदा लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि माल गिरावट में खरीदो और ऊंचे आने पे बेचो, टाइमली प्रॉफिट भी बुक करो। टाइमली प्रॉफिट क्यों नहीं बुक कर रहे हो? बिल्कुल करो। निचले स्तर से जो 10-15 दिन के अंदर जो 12-15% की जो तेजी आई है उसका फायदा उठाओ, उसको मुनाफा वसूल करो, फिर जब नीचे आएगा फिर दोबारा खरीदेंगे। महंगा आएगा महंगा बिकेगा, सस्ता आएगा सस्ता बिकेगा, उसमें समस्या नहीं है। तो जो इस व्यापारिक तर्ज को चलेगा वो निश्चित रूप से फायदा उठाएगा और बाकी तो सब जो सब कहने की बात चलती रहेगी। जी जी जी
झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने का। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।